खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बॉम्बे आगरा रोड पर मवेशियों के भरे दो आयसर वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें 28 मवेशियों के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा और अजमेर में दो वाहन मवेशी भरकर बेंगलोर जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर सूचना पर पुलिस ने दोनों वाहनों को पकड़कर पशुवध अधिनियम की सघन धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए गोवंश तस्कर पर अपराध दर्ज करके मामले की जाँच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये क्रमशः थाना बलकवाड़ा के अंतर्गत हाईवे के ऊपर जो मुंबई आगरा मार्ग है वो लेन, उसके ऊपर सूचना मिली थी जनता के द्वारा कि दो आयसर में गोवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने जो है पीछा किया। पीछा करने पर दोनों आयसरों को राउंडअप किया, जिसमें एक आयसर अजमेर से बेंगलोर जाना अभी पूछताछ में बताया है और दूसरी भीलवाड़ा से वो भी बेंगलोर कर्नाटक की ओर जाना बताया है। अभी इसकी वास्तविकता का पता लगाया जा रहा है अनुसंधान में, ये सच बोल रहे या झूठ। और इन दोनों आयसरों में 14-14 जो है वो पशु थे, जिस पर गोवंश वध अधिनियम प्रतिषेध के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।